अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ कराची ईट फूड फेस्टिवल में। सबसे पहले हम बात करते हैं फूड पे। देखिए जी, पाकिस्तानी फूड दुनिया का सबसे बेहतरीन फूड है। इस मुल्क में बहुत सारी कौमें आबाद हैं और हर कौम के पास मुख्तलिफ किस्म की फूड वैरायटी है और हर कुजीन का टेस्ट बहुत हैवी है। और शहरी इलाकों में तो देसी फूड के साथ साथ विदेशी फूड्स की भी बड़ी भरमार है। मतलब बिरयानी से लेकर सुशी, निहारी से लेकर रिब आई स्टेक और अंडे वाले बर्गर से लेकर रिज़ोटो, मतलब हमारे मुल्क में सब कुछ मिलता है। हम पाकिस्तानियों की जिंदगी में खाने की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, चाहे वो फिर शादी का इवेंट हो या कोई भी तकरीब, हम सिर्फ वहाँ खाना खाने जाते हैं। दिस इज नॉट अ बैड थिंग आई गेस। इस आइडिया को मद्देनजर रखते हुए कुछ नौजवान इस फूड फेस्टिवल के आइडिया के साथ आए और पहले ही साल इन्हें बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। कराची ईट फूड फेस्टिवल की शोहरत के बाद अब बड़े बड़े ब्रांड्स और टीवी चैनल्स भी मैदान में कूद गए और अब सब ने अपने अपने तरीके से इस किस्म के फूड फेस्टिवल्स कराना शुरू कर दिए हैं। माना कि कराची ईट फूड फेस्टिवल पायनियर है, पर मेरा फेवरेट तो कोक फेस्टिवल है। इसकी वजह यह है क्योंकि उनका आर्टिस्ट लाइनअप बहुत अच्छा होता है और खाना तो अच्छा होता ही है। अब हर साल नवंबर से फरवरी के बीच में हर वीकेंड पर पूरे पाकिस्तान में कहीं ना कहीं फूड फेस्ट हो रहा होता है। देसी विदेशी फूड के साथ साथ यहाँ पर म्यूजिक का भी बेहतरीन एहतमाम होता है। तो बॉस, हम पाकिस्तानी खाने के साथ साथ म्यूजिक भी बहुत अच्छा प्रोड्यूस करते हैं, तो म्यूजिक और खाने का जब कॉम्बिनेशन बनता है तो नेक्स्ट लेवल हो जाता है। चूंकि ये सारे फेस्टिवल फैमिली फ्रेंडली है, तो आप लोग अपने घर वालों के साथ और दोस्तों के साथ आके यहाँ पे क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं। ये फूड फेस्टिवल्स पहले कराची से शुरू हुए थे और अब पाकिस्तान के हर बड़े शहर में मुनक्किद होते हैं। खाना हम पाकिस्तानियों की पहचान है और अब ये फूड फेस्टिवल सिर्फ फेस्टिवल्स नहीं, ये हमारे कल्चर का हिस्सा बन चुके हैं और इस खूबसूरत और नए कल्चर पर मुझे फख्र है। खुश रहें, दुआओं में याद रखें। सी एम आनंद।